नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के चौसा पशु मंडी में। और यह मंडी काफ़ी जो है फेमस मंडी है। इस मंडी में हर नस्ल की गाय आती है। अगर आप HF गाय लेना चाहते हैं या HF क्रॉस में गाय लेना चाहते हैं या देसी नस्ल में गाय लेना चाहते हैं तो इस मंडी को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इस मंडी में गायों का रेट आपको पता चल सके कि उनका मिल्क कैपेसिटी कितना है और कितना तक ये मिल जाएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और मंडी का रेट फिक्स नहीं होता है, इसलिए दाम पर ना जाएं। अगर आप आइएगा, बार्गेनिंग कीजिएगा तो उसमें कम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए कुछ गायों का हम रेट जानते हैं। सभी जो है गायों के बच्चे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जो है नस्ल की आपको गाय मिल जाएगी। और हर नस्ल की गाय आती है क्योंकि चौसा को जो है गायों का नहर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी गाय जो है इस मंडी में आई है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि जो है आपको कुछ गायों का रेट जो है, और मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस गाय के अर्डर की बनावट, पीछे से भी जो इस गाय के अर्डर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए इस गाय के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन सी बार बच्चा दी है, ये कौन सी नस्ल में है। देसी नस्ल में अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी। देसी तो है नहीं, क्रॉस में है। तो इनका मिल्क कैपेसिटी कितना रहेगा? 15-16 के आसपास। 15-16 कर देंगे प्रेजेंट टाइम फिलहाल है। हाँ, अभी बढ़ेगा। बच्चा दिया हुआ 4 दिन, अभी इसका बच्चा मतलब 4-5 रोज हुआ बच्चा दिए हुए। 4-5 रोज हुआ बच्चा। तो इस गाय के अर्डर की बनावट हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी 4-5 रोज जो हुआ बच्चा दिए हुए और 14-15 लीटर जो है इसका मिल्क कैपेसिटी बताया गया। बच्चा इसका बाछा है, ये वाला है क्या? नहीं, देखिए कोई देख के नहीं बोलेगा। इसका बच्चा जो है ये है, आप देख सकते हैं, बछड़ा है। अभी नाम है। और ये भी जो है देसी नस्ल में ही है लेकिन कुछ क्रॉस में है। इसका हम पाप देख सकते हैं। हेलो हेलो, तो इसका क्या डिमांड रखे हैं भैया? 85 देने वाला रेट कितना तक छोड़ दीजिएगा? और बता दें बेटा, 70 के आसपास। तो चलिए, और इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी जो है देसी गायों का कलेक्शन है। और ये भी आप देख सकते हैं, इस गाय के ऑर्डर की बनावट भी आपको पीछे से हम दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और प्योर देसी नहीं है, क्रॉस में है। और इसके ऑर्डर की बनावट आप देख सकते हैं। तो इसका बच्चा क्या है? इसका भी बछड़ा ही है। तो इसका कितना दूध देने की क्षमता रहेगा? 17-18 लीटर कर देगी। इस गाय का मिल्क कैपेसिटी जो है 17-18 लीटर बताया गया। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? 3 दिन हुआ। क्या मतलब डिमांड रखें इसका? 65 देने वाला? 40-50 तक नहीं होगा, उतना नहीं होगा, 50 से ऊपर ही कीजिएगा। नहीं, अब जितना चला जाए।
और एक और इनके पास गाय है, इस गाय को भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और करीब से भी इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस गाय के अडर की बनावट। इस तरह अगर आप देसी नस्ल में भी गाय लेना चाहते हैं तो इस मंडी में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और हर तरह की गाय आती है इस मंडी में। तो इसका कितना दूध रहेगा? दूसरी बार बच्चा दी है, छह दांत की है। क्या इसका डिमांड रखे हैं? 55,000। तो आप देख सकते हैं डिमांड 55,000 है, लेकिन मंडी का रेट फिक्स नहीं होता है, अगर आइएगा तो उसमें कम ज़्यादा हो। अच्छा, प्रेग्नेंट है अभी, कितना दिन में बच्चा दे देगी? 2-3 दिन। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, ये किसका बच्चा है? इसका है, बच्चा है कि बछिया है? तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बछिया है। और प्योर जो है सफ़ेद है, इसको आप देख सकते हैं। और ये जो बच्चा जो है इस गाय का है, और हाल ही में बच्चा दी है, शाम को बच्चा दी है। और देसी गायों के लिए फेमस यह मंडी जो है चौसा पशु मंडी बिहार में फेमस है, यहाँ पर देसी नस्ल में भी गाय लेना चाहते हैं तो इस मंडी में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और पीछे से भी जो है इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका कितना रहेगा दूध की क्षमता? 8-10 के बीच भीतर रहेगा। कौन सी बार बच्चा दी है? दूसरी बार। इसका क्या डिमांड रखे हैं? ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, रेट ज्यादा हो रहा है। मैंने कितना तक छोड़ दीजिएगा? 45 तक। तो आप देख सकते हैं 45 बोले हैं, लेकिन ये और उसमें भी अभी कम करेंगे क्योंकि मंडी का फिक्स रेट नहीं होता है। और उधर वाली एक गाय हम देखे हैं थोड़ा, और एक और गाय है आप देख सकते हैं। इस गाय को हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये दोनों गाय आप देख सकते हैं। पीछे से अडर की बनावट काफ़ी शानदार जो है अडर बनाई हुई है। चलिए इन गायों के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कौन सी, और इसकी अडर की बनावट पहले हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस गाय के अडर की बनावट, तो इसका कितना रहेगा दूध देने की क्षमता? 14-15। बच्चा? बच्चा। तो आप देख सकते हैं इस गाय का बच्चा जो है वो है कल का बच्चा, बछड़ा है, और कल की बच्चा दी हुई है। तो अभी तो मतलब फेनुसा में होगी। तो कितना उम्मीद है दूध का? 14-15। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं? 52,000। तो आप देख सकते हैं इस गाय का भी डिमांड जो है 52,000 है, यानी कि 52,000 है। और उसके बगल में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जो है थान बांट की ये गाय है। तो एक और गाय है, इस गाय को भी आप देख सकते हैं। इस गाय के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसका क्या डिमांड रहेगा, इसका क्या डिमांड रहेगा? 55। बच्चा? इसका भी बछड़ा है। क्या उम्मीद है दूध का? 14-15 के आसपास कर देगी। और ये देख रहे हैं ये इसका क्या डिमांड रखे हैं? इसका तो आप देख सकते हैं इनके पास एक और जो है साहिवाल में है, लेकिन क्रॉस में है ये। पीछे से जो है अडर की बनावट आपको हम दिखा दे रहे हैं। और इस गाय के बारे में जानकारी हम लेते हैं, हम्प आप देख सकते हैं इस गाय का हम्प। तो चलिए इस गाय के बारे में बता दीजिए, इसका कितना मिल्क कैपेसिटी रहेगा? 10-12। बच्चा इसका? अच्छा, वहाँ पर बंधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस गाय का बच्चा जो है वहाँ पर है, बंधा हुआ है।
तो इसका क्या मतलब डिमांड रखे हैं? 65 देने वाला कम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। तो आप फर मंडी को आते हैं ना? फर मंडी।